वही आपकी खिदमत में पेश है क्राइम ट्यूरल न्यूज। देखते रहिए माशरे की खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं जारा शेख, क्राइम ट्यूरल न्यूज। खाक तैयबा ट्रस्ट की जानिब से आज टोली चौकी शेखपेट डिवीजन में तकरीबन 50 सिलाई मशीन की तकसीम अमल में आई। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से उन औरतों को जो 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद दी गई, ट्रस्ट की जानिब से सर्टिफिकेट्स भी दिए गए। खाके तैयबा के ट्रस्टी जनाब अनवर शरफुद्दीन साहब ने क्राइम टुडे न्यूज़ को बताया कि ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में भी वो खाके तैयबा ट्रस्ट की जानिब से सेंटर्स खोलने का इरादा रखते हैं ताकि गरीब आवाम इससे इस्तेफादा हासिल कर सके और रोज़गार से लग सके। मोहम्मद गौस और शेख वाहिद के साथ मैं शाहिद हुसैन, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। के अंदर आज करीब 70 लाख की लागत से और यहाँ पर शेखपेट डिवीजन माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन की जानब से हकीम शाहपाली के अंदर जो लेडीज टेलरिंग सेंटर है वहाँ पर 50 मशीन को शिफ्ट किया गया और हल्के जुबलीस बल्दी डिवीजन शेखपेट के अंदर तमाम कॉलोनी के अंदर डेवलपमेंट के काम का आज इब्तः अमल में आया। डायमंड या आदित्य नगर या फातिमा नगर, पैरामाउंट कॉलोनी, दीगर तमाम कॉलोनी के अंदर डेवलपमेंट के काम जारी है और चंद काम बाकी है। इंशाल्लाह उसका भी 10-15 दिन के अंदर और इनाग्रेशन सदर मोहतरम के हाथ से होगा और ख़ास तौर से यहाँ पर जितने भी माइनॉरिटी के मशीन डिस्ट्रीब्यूट किए गए इस सेंटर्स करीब 7-8 सेंटर्स हैं कारवान कॉन्सिंग और शेख मेडिजन के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम को मशीन डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं और ख़ास तौर से जिसके पीछे सदर मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन साहब की ज़ेर निगरानी इन तमाम स्कीम को फॉलो किया जा रहा है और खवातीन के लिए जो इसके बाद थे तमाम स्कीम को आवाम के दरमियान में खवातीन के दरमियान में रखा गया और लेडीज़ के टेलरिंग सेंटर के अलावा भी दीगर सेंटर से दीगर स्कीम है उन तमाम स्कीम के पीछे फॉलो किया जा रहा है और ख़ास तौर से माइनॉरिटीज आवाम के लिए जहाँ तक हो सकते तमाम की तमाम नुमाइंदगी करते हुए उनको फ़ायदा हासिल कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। अभी इसी तरह से नौजवानों के लिए भी हमारा स्कीम है, नौजवानों से गुजारिश करता हूँ माइनॉरिटी कॉन्टिशन के अंदर चाहे तमाम जो स्कीम है पैरामेडिकल हो या स्मॉल इंडस्ट्रीज हो, जो प्लम्बिंग हो या कंप्यूटर्स के जो स्कीम है उसके खदमात के ऊपर तवज्जो लगा कर वहाँ से फ़ायदा हासिल कीजिए। ये गवर्नमेंट का पैसा नहीं, अपना पैसा है, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है इन तमाम स्कीमत को फॉलो करते हुए इस खदमात का फ़ायदा हासिल कीजिए। और शेखपेट डिवीजन के मेरे साथी कॉर्पोरेटर जनाब राशिदुद्दीन फराज साहब को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। उसी तरह से शेखपेट डिवीजन के तमाम मजलिसी सदर मुतमदीन को एक्टिव वर्कर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। ट्रस्ट का ये 5वां जलसा है जिसमें माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के ताबून से मुख्तलिफ मराकज़ पर ट्रेनिंग होने के बाद मशीनों की तकसीम अमल में आ रही है। इससे पहले खाके तैयबा ट्रस्ट के मुख्तलिफ मराकज़ पर ट्रेनिंग के बाद मशीनों की तकसीम अमल में आई और अल्हम्दुलिल्लाह जो है इसी मराहल का जो है ये एक जलसा है जिसमें हल्के जुबली हिल्स के किमशा कॉलोनी में तकरीबन 50 मशीनों की तकसीम अमल में आ रही है और आज के प्रोग्राम में जनाब कौसरुद्दीन साहब MLA कारवान मेहमान खसूसी थे और यहाँ के हमारे कॉर्पोरेटर राशिद फराज़ुद्दीन साहब भी तशरीफ़ फरमा थे और उसके अलावा खाके तैयबा ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी जनाब गुलाम एजानी साहब की सदारत में ये जलसा मुनक़द हुआ और इंशाअल्लाह ताला जो है दूसरे MLO के इलाकों में जिस तरह के चंद्रायन गुट्टा है, मलकपेट है और जमीन के और दूसरे इलाके हैं मोरा बंडा, रहमत नगर वगैरह, इंशाअल्लाह वहाँ पर जो है इस किस्म की टेलरिंग ट्रेनिंग गरीब ख़वातीन के लिए जो है शुरू करने का इरादा है। बहुत जल्द इंशाअल्लाह जो है आप बारे में अपडेट किया जाए और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में न सिर्फ टेलरिंग, दूसरे कंप्यूटर कोर्सेज, पैरामेडिकल कोर्सेज और
प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ और दीगर इंडस्ट्रीज़ के मुख्तलिफ जो बिजनेस हैं, न सिर्फ गवर्नमेंट आपको ट्रेनिंग दे रही है बल्कि आने जाने का स्टाइपेंड भी दे रही है और उसके बाद जॉब प्लेसमेंट भी है। तो मैं हमारे तमाम माइनॉरिटीज़ के भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि आप तेलंगाना गवर्नमेंट की इस स्कीम से फ़ायदा उठाएँ और ये ट्रेनिंग ज़रूर लें और स्टाइपेंड से ज़रूर इससे फ़ायदा करें और आप जो है जॉब भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी तरह अपोलो हॉस्पिटल जो जुबली हिल में वाक़ है उसमें पैरामेडिकल कोर्सेज़ है, एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, इस तरह के मुख्तलिफ पैरामेडिकल कोर्सेज़ में आप जो है ख़वातीन हो या लड़के हो दाखिला ले सकते हैं। ट्रेनिंग के बाद जॉब की गारंटी है। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के तमाम ये कोर्सेज से इस्तेमाला करें और इसके अलावा प्री मेट्रिक पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम्स है, बैंकेबल लोन स्कीम्स हैं और हज हाउस में 5वीं मंजिल पर तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का ऑफिस है, आप वहाँ से इस्तेमाला कर सकते हैं। और रही बात खाके तैयब ट्रस्ट की, जहाँ हमारा जो है सेंटर हकीम शाह कॉलोनी टोली चौकी में, निसाला बाजार गोलकुंडा में, हसन नगर में, देवड़ी कैलानी नवाब नवलपुरा में और मिश्रीगंज मोहद्दी सिद्दीक हाई स्कूल है, जहाँ पर 800 से ज़्यादा तलबा तालिबात फ्री तालीम ले रहे हैं खाके तैयबा के मुख्तलिफ सेंटर पर, टेलरिंग, मेहंदी डिज़ाइनिंग, ब्यूटिशियन के अलावा कंप्यूटर कोर्सेज और दीगर कोर्सेज भी जो है सिखाए जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम तेलंगाना के रेसिडेंट से गुजारिश करूंगा कि गवर्नमेंट की इस स्कीम से ज़रूर इस्तेमाल करें। शुक्रिया। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं ज़ारा शेफ।